माशाअल्लाह जज़ाकअल्लाह। पढ़ दिया जब भी किसी ने कुछ लिखा कुरान का, पढ़ दिया जब भी किसी ने कुछ लिखा कुरान का, गिर पड़ा तहत-उस-सरा में काफिला शैतान का। हज़रते सामीन, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जनाब कारी अंजर साहब तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी संजीदगी और इत्मीनानी के साथ आप हजरात कुरान करीम समाप्त कर रहे थे। प्रोग्राम का आगाज हो चुका, जलसे को कामयाबी की जमानत मिल चुकी। अब आइए खैरुल कलाम के बाद खैरुल अनाम के बारगाह में चले। नाते पाक बहुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हसीन गुलदस्ता पेश करने के लिए हम एक ऐसे शायर तक पहुंचते हैं जो मोहताज तारुफ नहीं। बस थोड़ा सा माहौल बना दीजिए आप हजरात और यहीं से पूरे तौर पर बेदारी का सबूत दीजिए ताकि मैं इन हजरात का सफर यके बाद दिगरे बासानी कर सकूं। शेर देखिए हजरात कि सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है, सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है, और जिस दिल में नहीं इश्के शहनशाह मदीना मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्के शहनशाह मदीना मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। और जो शख्स रखता है हालाते मुस्तफा पे नजर, जो शख्स रखता है हालाते मुस्तफा पे नजर, दो चार फाके तो वो यूं ही गुजार देता है। जो शख्स रखता है हालाते मुस्तफा पे नजर, दो चार फाके तो वो यूं ही गुजार देता है। अब मैं बड़े ही अदब-ओ-एहतराम के साथ जनाबे कारी शमशेर आलम साहब जामी से दरखास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम तमाम सामीन को नवाजे। डॉक्टर नवाज देवबंदी के इस शेर के साथ के अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख, भीगे हुए परों से ही परवास करके देख। जनाबे कारी शमशेर आलम साहब जामे माइक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टेज पे तशरीफ फरमा बड़े भाई जनाब मौलाना नेमतुल्लाह साहब कासमी।